हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सबके लिए मैं लाई हूँ एक बहुत मज़ेदार रेसिपी जो सबको पसंद आती है। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही देसी और सिंपल स्टाइल से कढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब बेसन लिया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो मिर्ची थोड़ा कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ ऐड किया है 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना यहीं पर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बाद में लम्स ना पड़े और ये हमें परेशान ना करें। तो अब मैं इसे यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसकी सारी कुटलों को यहाँ पे अच्छे से फोड़ लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मैं धीरे धीरे लस्सी को ऐड करूँगी। यहाँ मैंने कढ़ी बनाने के लिए 2.5 से 3 गिलास इसमें लस्सी का यूज़ किया है और थोड़ा पानी ऐड किया है। और कढ़ी की कंसिस्टेंसी इतनी पतली होनी चाहिए कि यह चमचे पर रुके ना। तो अब मैं कढ़ी को पकाने के लिए चूल्हे में आँच जलाऊँगी क्योंकि आज हम कढ़ी को चूल्हे पर बनाने वाले हैं एकदम देसी तरीके से। तो पहले हम चूल्हे में आंच कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कढ़ी को पकाएंगे। अब मैं चूल्हे पर कढ़ाई को रख दूंगी और बड़ी ध्यान से इसमें अपनी कढ़ी को पलट दूंगी। आज ना मैंने सोचा चूल्हे पर खाना बनाया जाए क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ पे बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना किचन से निकल कर आज चूल्हे पर खाना बनाया जाए। तो अब हमारी कढ़ी यहाँ पर पकनी शुरू हो गई है। मैंने इसे कढ़ाई में पलट लिया है और अब हम इस चमचे से धीरे धीरे चलाते हुए कढ़ी को धीरे धीरे पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर बादल हुए हैं, बारिश का मौसम है और ऐसे में ना दोस्तों कढ़ी चावल खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो अब ना हम धीरे धीरे चलाते हुए अपनी कढ़ी को अच्छे से इस तरह से पका लेंगे और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना पतला रखा है। अभी के लिए मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल मीडियम आंच पर पकाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ी अब पकना शुरू हो गई है और अब इसमें ना एक उबाल आने ही वाला है। और बस हम इसी तरीके से इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे और कढ़ी को पकाएंगे। अब इसमें ना एक उबाल आने के बाद हम चूल्हे की आँच को मंदा कर देंगे और इसे धीरे धीरे धीमी गैस पर पकाएंगे। और अब जब तक हमारी कढ़ी पकती है हम कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े तैयार कर लेंगे। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, हरा धनिया और 5-6 हरी मिर्च। आप चाहे तो हरी मिर्च को ना स्किप कर सकते हैं। तो जब तक मैं इन्हें बारीक बारीक काटूंगी हमारी कढ़ी यहाँ पर धीमी आँच पर आराम से पकती रहेगी। और यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल और मैं यहाँ पर करीब 100 ग्राम बेसन लूँगी क्योंकि पकौड़े तो सबको अपने घर में थोड़े ज़्यादा ही बनाने पड़ते हैं। और मैं सारी चीज़ों को ना बेसन में ही बारीक बारीक काट लूँगी। आपकी मर्ज़ी है आप बारीक काटें या मोटा काटें। मैंने यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल साइज़ का ही प्याज काटा है, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटा है। और हरी मिर्ची के मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके डाले हैं। अगर आपको हरी मिर्च ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने डाला इसमें खूब सारा हरा धनिया क्योंकि हरा धनिया डालने से ना पकौड़ों का टेस्ट अलग ही बढ़ जाता है। फिर मैंने इसमें डाली है थोड़ी लाल मिर्च। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और कलर के लिए थोड़ी हल्दी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसे फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि फिर बेसन में ना गुठलियाँ पड़ जाती हैं और वो बहुत परेशान करती हैं फिर बाद में। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते हुए एक अच्छा पकौड़े बनाने के लिए पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब मेरा पेस्ट पकोड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसको जिस तरीके का बनाया है और दूसरी तरफ हमारी कढ़ी भी पककर अच्छी तरह से तैयार होने लगी है। हमारी कढ़ी के ऊपर ना रेड कलर की एक लेयर आ गई है तो मतलब अभी ये बिल्कुल पककर तैयार हो गई। और इसे हम चूल्हे से हम नीचे उतार लेंगे और तैयारी करते हैं पकौड़े बनाने की। यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और जब तक हमारा तेल गरम होगा ना मैं बेसन को ऐसे इस तरीके से ना उंगलियों से फैट लूँगी। इससे हमारी पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। और धीरे धीरे इस तरीके से कढ़ाई में डालते हुए मैं अपनी पकौड़ियों को अच्छे से तैयार कर लूँगी।
और जब पकोड़े एक तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, तब मैं इन्हें चमचे से पलटकर दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकूंगी। और इसी तरह से मैं इन्हें क्रिस्पी होने तक पलट पलट कर सेकूंगी। और अब हमारे पकोड़े सिक कर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं, तो मैं इन्हें प्लेट में अलग निकाल लूँगी। ये काम आप बिल्कुल ध्यान से करें, इसमें हाथ जलने का ज़्यादा डर रहता है। इसी तरीके से आप अपने सारे पकोड़े बना लें और कढ़ी में डाल दें। मैं यहाँ पर थोड़े पकोड़े बचा लूँगी क्योंकि सबको खाने बहुत अच्छे लगते हैं। और अब हम कढ़ी में लगाने के लिए तड़का तैयार करेंगे। यहाँ ली है मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है मैंने रिफाइंड ऑयल, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हो। और बस तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सूखी मिर्च और इसे अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा मेथी दाना और साबुत धनिया। और इन सबको अच्छे से भून कर हम बड़ी सावधानी के साथ इसे अपनी कढ़ी में ऐड कर देंगे। बहुत ध्यान से यहाँ मैं इसे कढ़ाई में डाल दूंगी और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा लुक आया, ये कितनी देखने में अच्छी लग रही है। और अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी, आप देखिए ये कितनी अच्छी दिखने में लग रही है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी है। और अब हमारी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तो मैंने फटाफट से जीरे वाले चावल कढ़ी के साथ खाने के लिए यहाँ पर छोंक दिए हैं। मैंने ना इसमें फटाफट से ऐड किया ऑयल, जीरा, दो तीन तेज पत्ते और थोड़ी मैंने इसमें हरी मिर्च काट के ऐड कर दी, थोड़ा नमक और पानी। और अब हमारे चावल भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये भी देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो और अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। और अब आप सबके लिए तैयार है बनकर एकदम देसी स्टाइल में कढ़ी चावल। यहाँ तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस तरीके से कढ़ी चावल बनाकर अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।